हेलो एवरीवन, देखिए इसके क्या करना है, फैक्ट प्राइस करना है। क्या करना है इसको, फैक्ट प्राइस। कैसे फैक्ट प्राइस करेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने देखा था एक्स स्क्वायर मतलब किस फॉर्म में था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि पावर यहाँ पर 2 थी। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, तो यानी कि आपको फैक्टर्स कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। नीचे ध्यान, पावर 4 होगी तो 4 मिलेंगे। अब इस फैक्टर इसको फैक्टर कैसे करना है, इसको ध्यान से समझेंगे। पहले आप करेंगे फैक्टर्स ऑफ, अब फैक्टर किसके करने, फैक्टर ऑफ 20। देखिए मैंने क्या आपको समझाया था कि लास्ट वीडियो मतलब जो इससे पहले क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन उसमें एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कराते थे कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 की मल्टीप्लाई 20 से होगी, तो 20 बन जाए 20। अब 20 के फैक्टर अगर हम देखें तो 1 होंगे, 2 होंगे, आप फैक्टर कर लीजिए, आप 2 बन जा, 2 5 जा, ओके 5 बन जाए, यानी कि 2 मिलेगा आपको या 5 मिलेगा, ये तो फैक्टर्स होंगे ना, 1 2 5, 1 भी होगा, प्लस माइनस यानी कि प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ये प्लस माइनस। अब देखिए 14, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेते हैं 1। क्यों रख रहे हैं वैल्यू, क्योंकि अगर हमें x इक्वल टू 1 रखते हैं तो चेक करना है कि क्या कोई जीरोज है इसका, तो देखिए अगर प्लस की वैल्यू रखेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं हुआ, जीरो तो नहीं होगा, तो -1 रख के देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1। क्यों रख रहे हैं माइनस, ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि माइनस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सब सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव रखेंगे तभी कुछ टर्म्स नेगेटिव होंगे, कैंसिल आउट होंगे। सो दिस विल बी -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। सॉल्व करते हैं, देखिए -1 का क्यूब -1, 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, और ये प्लस माइनस 32 प्लस 20 ये कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 12, ये प्लस माइनस कितना होगा, 12 12 12 कैंसिल, 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करने पर ये क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल हमें क्या दे रही है, 0, और 0 दे रही है, इसका मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए नोट कर लेंगे इसका, ये सिंस x अभी माइनस का इस साइड आएगा क्या होगा, प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब अगर फैक्टर है तो सिंपल सी बात है, जो इसका फैक्टर है उसको डिवाइड भी कर रहा होगा। जैसे अगर हम 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर 2 और 3, तो 2 6 को डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या करेगा, इसको डिवाइड, तो यानी इसका फैक्टर हो गया। देखिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, फैक्टर अगर है तो डिवाइड करने पर चेक करेंगे। अब हमें फैक्टर क्या मिल गया, एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करा देंगे, देखिए कैसे होगा डिवाइड। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे पावर कितनी, 3, तो आपको मल्टीप्लाई किससे कराना है, एक्स स्क्वायर से, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और ये होगा एक्स स्क्वायर, क्लियर। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कितना हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पे कितना लेंगे, 32, ओके 32 लेना है। एक्स की देखिए यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे 12x², यानी कि आपको किसकी नीड है, 12x की, तो ये होगा 12x² प्लस 12 बन जा 12x, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस 20 दी, आप देखिए यहाँ पे 20, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस 20, तो 20x प्लस 20 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो गया 0। इतना क्लियर सभी को, 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर था। अब देखिए आपको क्या मिला है, अब स्क्वेयर रेश कर रहा हूँ, देखिए एक्स स्क्वायर मिला है और 12x मिला है, और लास्ट में मल्टीप्लाई लोगों किससे कराया था, 20 से। अब 20 के ऐसे फैक्टर करने के आपको 12 मिल जाएंगे, ओके। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 टू जो 20, और 10 प्लस 2 कितना होता है, 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, एक्स कॉमन लेंगे एक्स प्लस 10, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 2, और आपको पहले एक फैक्टर और मिला था एक्स प्लस 1 याद होगा, तो टोटल इसके फैक्टर कितने हुए, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, क्योंकि पावर इसकी 3 थी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।